नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ग्रीन केल्प, इसके बारे में, इसके प्रमाण क्या है, रेट क्या है, सभी पूरे जानकारी हम आपको बताने वाले हूँ। आधुनिक खेती में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पन्न लेने के लिए हम ग्रीन केल्प जैसा और दवाइयों को हम इस्तेमाल कर सकता है। ज़्यादा फसल लेने के लिए, धाना बढ़ाने के लिए और प्रोटेक्शन मिलाने के लिए, पेड़ों में अच्छा तरह ह्यूमिडिटी पावर होने के लिए हम इसका उपयोग कर सकता है। इसका उपयोग करने के बाद धानों में ज़्यादा से ज़्यादा अन्न निर्माण हो सकता है, इसीलिए धाना बढ़ाता है और वजन भी बढ़ जाता है। इसका जो प्रमाण है 3 ml पर लीटर डाल के मिश्रण करके, और इसमें इधर कंटेंट्स भी दवाई भी मिश्रण करके हम इसका स्प्रे कर सकता है। एक पर लीटर 3 ml डाल के इसका हम स्प्रे कर सकता है, और इसका उपयोग करने के बाद पेड़ों में अच्छा तरह से ह्यूमिडिटी पावर ज़्यादा होता है और धानों बढ़ाने के लिए अच्छा तरह से काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर और अनार में, अनार फल और सेब और केली हो, सब का सब फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकता है। जो उपयोग करने के बाद चमक भी ज़्यादा तरह से आता है और पेड़ अच्छा तरह से ह्यूमिडिटी पावर लेके फसलों के ज़्यादा आता है, इसके लिए इसका ग्रीन केल्प का हम उपयोग कर सकता है। और पेड़ों में ह्यूमिडिटी पावर बढ़ाने के लिए रूट भी अच्छा तरह से चालू होता है, इसके लिए रूटों का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा होने के बाद पूरे से पूरे हमारे खेत में जो कंटेंट्स है अपटेक करता है पेड़ों में, पूरे अच्छा तरह से ह्यूमिडिटी बढ़ाने के लिए इसका उपयोग हम कर सकता है। और इसका उपयोग करने के बाद 5-6 दिनों तक इसका, इस मेडिसिन का कंटेंट्स पेड़ों में रहता है, एक अच्छा तरह से काम करने के लिए इसका हम उपयोग कर सकता है। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा आने के लिए अंगूर में ज़्यादा इसका उपयोग हम कर सकता है। सभी फसलों पर हम इसका उपयोग कर सकता है। नमस्ते दोस्तों, हमारा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।